तो हे गाइस, वेलकम बैक माय न्यू व्लॉग। तो मेरा नाम है रॉकी और आप लोग देख रहे हैं रॉकी व्लॉग 07। तो आज हम लोग जा रहे हैं अंबेडकर नगर के सबसे बड़े तालाब को देखने, और बहुत ही खूबसूरत है वो। तो गाइस चलो चलते हैं, आप सबको दिखाते हैं और पूरा व्लॉग देखना, बहुत ही मज़ा आने वाला है आज। Standing in the cold, cold rain, I don't even feel the pain. Anything to step away, I know we could both do better. Wish you would've left me here, now I'm just controlled by fear. What's the point in our reflection, if you never look in the mirror? Counting the days until you're gone, waiting for us to carry on. Oh, I'm running, what am I running from? Time's going by, but where's the time going? I tried to give you everything. तो गाइस फाइनली हम लोग वहां पहुंच चुके हैं जहां हम लोग को आना था, और हम लोग बहुत ही गजब जगह पहुंचे हैं। और ये देखिए, बीच में रोड है, और इधर तालाब है, इधर तालाब है, और इधर का पानी देखिए और इधर का पानी देखिए। इधर का तो थोड़ा सा मुझे गंदा लग रहा है, लेकिन इधर का बहुत ही साफ। तो गाइस ये बताया जा रहा है ताल, अभी हमने एक बुज़ुर्ग से पूछा है तो बताया इस ताल के बारे में। इस ताल जो है कम से कम 800 बीघा में ये ताल बनाया गया है, और बहुत ही ख़तरनाक लगता है जब बारिश हो जाती है यहाँ पे। जब बारिश होती है तो पूरा यहाँ से लेके वहाँ तक पूरा भर जाता है, और लोगों को आने जाने के लिए रास्ता नहीं रहता है, रास्ता पूरा डूब जाता है यहाँ से वहाँ तक का। और बस तो गाइस ये तालाब जो है ये बहुत ही दूर तक है, हम लोग रास्ता नहीं उधर जाने के लिए, इसी वजह से हम लोग यहीं पर रुक गए। यहाँ पर एक रास्ता मिला हम लोग को, इसी लिए यहाँ पर हमने रुका। उधर बहुत ही आगे तक का उधर तालाब, वो जो बाग दिख रही है उधर तक का है ये तालाब, और इधर जगह नहीं थी जाने के लिए, इसीलिए हम लोगों उधर नहीं जा पाए, और यहीं तक का हमने वीडियो बनाई है। और कैमरे की वजह से वहां तक तो आप लोग देख ही सकते होंगे। और इधर का जो है, तो इधर का हम लोग अभी जाएँगे। इधर का है रास्ता जो हमने पूछा है अभी एक आदमी से, तो उसने बताया है कि आगे है जगह, तो आगे हम लोग जाएँगे। अभी तो कुछ देर वेट कीजिए, तब तक हम लोग और कुछ दिखाते हैं आप सबको। तो गाइस ये छोटा सा पुल जो बनाया गया है, इधर से जाली नुमा फिट किया गया है इधर से, जान ताकि उधर मछली ना जाए कोई, इसी वजह से ये बनाया गया है। और ये छोटा सा पुल बनाया गया जिससे हम लोग चल के जा रहे हैं, और आगे हमारी टीम के दो मेंबर चल के जा रहे हैं। और ये छोटी छोटी यहाँ पे झोपड़ी बनाई गई है ताकि इसको रखवाली की जाए। तो गाइस जैसा कि आप लोगों ने देखा, अभी वहाँ छोटी सी एक झोपड़ी थी, हमने दिखाया था आप लोगों की झोपड़ी उधर है, और एक वहाँ पे है जो अभी हम लोग जाएंगे, अभी वहाँ जाएंगे। और हमें पता लगा है अभी कि यहाँ पे कैमरा लगाया गया है, क्योंकि यहाँ पे सुना है मछलियों की चोरी होती थी पहले, इसीलिए यहाँ पे कैमरा जगह जगह लगा दिया गया है, और लाइटें लगाई गई है, और उस झोपड़ियों में लोग रहते हैं, यहाँ की रखवाली करते हैं, इस ताल को देखते हैं। Standing in the cold, cold rain, I don't even feel the pain. Anything to step away, I know we could both do better. Wish you would've left me here, now I'm just controlled by fear. What's the point in our reflection, if you never look in the mirror? Counting the days until you're gone, waiting for us to carry on. तो गाइज अब हम लोग चलते हैं उस साइड, और उस साइड का व्यू देखते हैं कैसा है। तो आप लोग बने रहिए ब्लॉग में, पूरे ब्लॉग में। तो आप सब चलते हैं आगे का और दिखाते हैं। तो गाइज जिस झोपड़ी की बात की थी मैंने, ये है वो, और दूसरी साइड हम लोग पहुंचा हैं, और आप लोगों को अभी दिखाते हैं। अभी हम लोग बाइक पर हैं, बाइक से उतरेंगे तब आप लोगों को दिखाएँगे। और ये हमारा बैठने वाला जगह। तो गाइज ये है कमल का पौधा जो अभी कमल उगा नहीं, ये बता रहे हैं हमारे टीम के मेंबर जो नाम है सादमान सिद्दीकी, वो बता रहे हैं कि ये जो है सफ़ेद कमल है। तो गाइस हम लोग नीचे उतर चुके हैं ताल के, और ये देखिए कितना खूबसूरत खूबसूरत फूल लगा हुआ है इस साइड में, बहुत ही खूबसूरत है।
तो गाइज हम लोग इधर पहुँचे हैं और हम लोग इधर देखिए एक इधर बोट है मतलब नाय है और उधर का व्यू देखिए गाइज कितना खूबसूरत आ रहा है, सूरज का व्यू बहुत ही लाजवाब आ रहा है उधर से व्यू। और इधर सब यहाँ सब पानी होता था पहले, आपकी बार हमारे एरिया में बारिश बहुत कम हुई इसी वजह से यहाँ सब पानी नहीं भरा, नहीं तो पूरा पानी भर जाता था। रोड के उस पार भी पानी रहता है और इस पार भी पानी रहता है तो बहुत ही खूबसूरत लगता है। आपकी बार पानी ही नहीं बरसा हमारे अम्बेडकर नगर में, इसी वजह से ये सब इतना खूबसूरत नहीं हो पाया है, लेकिन तब भी यहाँ का व्यू बहुत ही खूबसूरत है। और नाए तो गाइज अंदर है, नहीं तो हम लोग ऊपर चलते, नहीं तो पानी में चले गए हैं, आप लोग को हलना पड़ेगा तो हम लोग हलेंगे नहीं क्योंकि बता रहे हैं ये ताल बहुत ही गहरा है, इसी वजह से हम लोग ताल उल में हले हलेंगे नहीं। तो आज का ब्लॉग यहीं पे एंड करते हैं और आप आशा करते हैं आप लोगों को ब्लॉग अच्छा लगा होगा, अच्छा लगा तो लाइक शेयर करो, घमा घम ठोको।